यार दोस्तों, और आज है आप सभी के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज है 27 अप्रैल और आज ही के दिन रिजल्ट आना है। एफटीआई ने बोला है कि आज या फिर आज के बाद, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होगी क्योंकि ओरिएंटेशन और इंटरव्यू की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है, पहले से ही आपको पता ही है। तो इसीलिए भाई रिजल्ट जो है आजकल में आ ही जाएगा। आज का जो डेट दी है ना, तो ना वेबसाइट पर चेक करते रहना, जैसा भी हो वेबसाइट पर तुरंत मिल जाएगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर रिजल्ट आता है तो मैं उससे पहले आप लोग चेक करते रहना, क्योंकि आपके पास तो रोल नंबर है। हो सकता है कि वो वहाँ पे वेबसाइट पे शो ना करे, लेकिन जब आप रोल नंबर डालो तो वहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाए। वैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो थोड़ा सर्वर डाउन की प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आज का फाइनल हो सकता है कि आज आ जाए रिजल्ट। और आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू ओरिएंटेशन जो है ऑनलाइन होंगे, ऑडिशन भी ऑनलाइन होंगे, तो सभी चीज़ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। तो जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ऑफलाइन है, तो वो मेरी थोड़ी गलती थी, तो उसके लिए भाई सभी को लिए माफ़ कर देना मुझे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन होंगे इंटरव्यू ओरिएंटेशन, तो इसका थोड़ा सा जो है मैं सुधार कर रहा हूँ। तो जो लोग बोल रहे थे, एक भाई बोल रहा था कि वहाँ जाना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, इंटरव्यू ओरिएंटेशन अगर आपका होगा, पहले तो रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपके इंटरव्यू आप पास हुए या नहीं हुए। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर पास हुए ना, तो आगे जाने के चांसेस या फाइनल एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगभग लगभग 70% चांस एडमिशन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो निकलेंगे वो सर लगभग 30 से 40 लोग ही होंगे जो इंटरव्यू ओरिएंटेशन देंगे, उसमें से 10 लोग सिलेक्ट होंगे, तो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ तक आप पहुँच जाओ फाइनल एडमिशन के लिए। इसीलिए ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेपर बन का था वो तो ऐसा था कि अभी 2 स्टेज और है, और एक्टिंग वालों के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी ऑडिशन होगा और ऑडिशन के बाद फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू ओरिएंटेशन होगा, तो उनके लिए अभी थोड़ा सा और ज़्यादा टफ है। लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से अभी इसके बाद ज़्यादा डायरेक्ट इंटरव्यू ओरिएंटेशन होगा, तो वो लगभग 40-50 लोग ही होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होते, बल्कि इस बार तो शायद और भी कम रेशो कर दिया होगा, तो बहुत ही कम है। लेकिन एक्टिंग वालों के लिए तो अभी ऑडिशन है, ऑडिशन के बाद फिर इंटरव्यू ओरिएंटेशन होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी उनके लिए। लेकिन हाँ, बाकी लोगों के लिए तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ से रास्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते रहना और वेबसाइट पर चेक करते रहना कि कब, मतलब चेक करते रहना, वहाँ पर शो हो जाएगा, अगर आएगा तो मैं वीडियो बना ही दूंगा, नहीं तो आप लोग जरूर चेक करते रहना। धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर देना भाई।